हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शालिनी एंड वेलकम टू माय चैनल टिप्स टू ड्रॉप बाय शालिनी। आज के वीडियो में मैं आपको ये नाइट पार्टी बोल्ड मेकअप लुक दिखाने वाली हूं। ये स्पेशली नाइट पार्टी के लिए है। और अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेकअप को स्टार्ट करने से पहले फेस को थोड़ा रिफ्रेश करने के लिए मैं यहाँ पे लव नेचर का रोज़ वाटर यूज़ करूँगी। मैं इसे अपने पूरे फेस पे अच्छी तरीके से स्प्रे कर दूँगी और स्प्रे करने के बाद इसे ड्राई होने दूँगी। ड्राई होने के बाद मैं यहाँ पे नेक्स्ट यूज़ करूँगी ओरिफ्लेम का प्राइमर। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि प्राइमर को मेकअप से पहले लगाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हमारे ओपन पोर्स को मिनिमाइज़ कर देता है और हमारे बेस को स्मूथ बनाता है। मैं इसको अपने पूरे फेस पे अच्छी तरीके से अप्लाई करके ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट मैं यहाँ पे ओरिफ्लेम का बीबी क्रीम यूज़ कर रही हूँ। मैं इसे एक फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी। मैं थोड़ा सा और बीबी क्रीम लूँगी और अपने अंडर आई और अपर आई लिड पर अप्लाई कर लूँगी। मैं इसे अपने आई के पास के डार्कनेस को कम करने के लिए अप्लाई करूँगी। इसके बाद मैं इसे सेम फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से अच्छी तरीके से ब्लेंड कर दूँगी। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे दावन का कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ। इस कॉम्पैक्ट से मैं अपने बीबी क्रीम को सेट कर लूँगी और इसे मैं स्पेशली अपने आईलिड पे अप्लाई करूँगी ताकि मेरे आईलिड का जो बेस है वो स्मूथ हो जाए और इसके बाद जो मैं आई शेडो लगाऊँ वो अच्छी तरीके से अप्लाई हो जाए। अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे जेनरिक प्रो का आई शेडो पैलेट यूज़ कर रही हूँ और इस पैलेट से मैं यहाँ पे पर्पल कलर यूज़ करूँगी। क्योंकि आई शेडो पाउडर बेस है इसीलिए इसे अप्लाई करने के लिए सबसे पहले मैं अपने ब्रश को अपने DIY मेकअप सेटिंग स्प्रे से अच्छी तरीके से वेट कर लूँगी और उसके बाद मैं इस ब्रश से अपने इस आई शेडो को अप्लाई करूँगी। आई शेडो को अप्लाई करते वक्त हमें ये याद रखना है कि हमारा आई शेडो क्रीज एरिया से ऊपर ना जाए। और इस सेम आई शेडो को मैं अपने दूसरे आईलिड पे भी अच्छी तरीके से अप्लाई कर लूँगी। अब इसी आई शेडो को मैं अपने लोअर आईलिड पे अप्लाई करूँगी और ऐसा मैं अपने दोनों आईज में करूँगी। इसके बाद एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से मैं अपने दोनों आई शेडो को अच्छी तरीके से ब्लेंड कर दूंगी ताकि कोई भी हार्श लाइन नज़र ना आए। और अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी मेबलिन का ड्यूओ आईब्रो शेपर। इससे मैं अपने आईब्रो को अच्छी तरीके से सेट कर लूँगी जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ। आईब्रोज को नेचुरल लुक देने के लिए मैं इसके पेंसिल पार्ट से अपने लास्ट के आईब्रोज को सेट करूंगी और पाउडर पार्ट से अपने इनर आईब्रोज को। इसके बाद मैं यहाँ पे नायका का आईलाइनर यूज़ करूंगी और एक थिक आईलाइनर अप्लाई कर लूंगी।
और अब मैं नेक्स्ट यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा। आप इसकी जगह चाहें तो फॉल्स आईलैशेस भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे केवल मस्कारा यूज़ करूँगी। मस्कारा को मैं अपने अपर आईलैशेस के साथ साथ अपने लोअर आईलैशेस पे भी अप्लाई करूँगी। और अब नेक्स्ट मैं यहाँ पे मेबलिन का कलर शो ब्लश यूज़ करूँगी। मैं इसे ब्लश ब्रश की हेल्प से अच्छी तरीके से अप्लाई कर लूँगी। ब्लश अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पे अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए अपना DIY मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज़ करूँगी। अगर आपने अब तक मेरा मेकअप सेटिंग स्प्रे का वीडियो नहीं देखा है तो मैं इसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके ड्राई हो जाने के बाद मैं यहाँ पे नायका की लिपस्टिक यूज़ करूँगी। ये पर्पल शेड की लिपस्टिक है और इसे मैं अपने लिप्स पर अच्छी तरीके से अप्लाई कर लूँगी। लिपस्टिक अप्लाई करने के बाद ये है हमारा फाइनल लुक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।